अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है वान चादर, आप देख रहे हैं सुबह स्पोर्ट्स। गाइस आज मेरे पास बहुत ही अच्छी और बहुत ही अभी लेटेस्ट न्यूज है। तो गाइस पाकिस्तान टीम में से दो प्लेयर्स को निकाल दिया गया है और बाबर आजम के बारे में एक बहुत अच्छी न्यूज है आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस पहले मैं आपको बता देता हूँ बाबर आजम के बारे में कुछ खबरें क्या है। बहुत ही जल्दी इंग्लैंड के टूर पे आपको बाबर आजम बॉलिंग करते हुए भी नजर आएंगे। बाबर आजम ने कह दिया कि अभी मुझे बैटिंग पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, मैं बॉलिंग थोड़ी अच्छी नहीं करता हूँ, लेकिन जल्दी वो सीख जाऊँगा मैं और मैं बॉलिंग भी करने लगूँगा। सो गाइस मेरे पास और जो न्यूज़ है दूसरी, इंग्लैंड के टूर में से दो प्लेयर्स को बहुत ही वो अहम प्लेयर्स हैं जिनको निकाला गया है, मैं उनके नाम लेता हूँ। पहला प्लेयर है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर को इसलिए निकाला गया है कि वो टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं थे, जो बाकी प्लेयर थे उनमें थोड़े थोड़े थे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन मोहम्मद आमिर को टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए था क्योंकि अभी उनका रिटायरमेंट नहीं है। इसे बाबर आजम ने कहा कि ना मोहम्मद आमिर का भी करियर ख़त्म नहीं हुआ, उनको एक और चांस मिलना चाहिए ताकि वो अपनी रिटायरमेंट को कैंसिल कर सकें। तो सेकेंड प्लेयर है वहाब रियाज। वहाब रियाज अब भी इसलिए क्योंकि वो टेस्ट मैचेस में नहीं थे। सुबह आपके लिए इतनी उम्मीद है, आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।